हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने सोमवार को नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि नालागढ़ में कई समय से खाली पड़े सीडीपीओ के पद को 2 महीने के भीतर भर दिया जाएगा। नालागढ़ के ओल्ड बॉय स्कूल पहुंचने पर मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री धनीराम शांडिल ने नालागढ़ पुराने बॉय स्कूल के प्रांगण में एक विशेष कार्यक्रम के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य बीमा कार्ड वितरित किए। उसके उपरांत मंत्री ने मझोली पंचायत के मैसा टिब्बा गांव में बनी आंगनबाड़ी के भवन का लोकार्पण किया। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान मंत्री ने लाखों के विकास कार्यों की क्षेत्रवासियों को सौगातें दी। मंत्री ने एक दिवसीय दौरे के दौरान पत्रकार वार्ता कर नालागढ़ में एक दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी दी। एक तो आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पे उद्घाटन है मझोली में, और उससे अवलंबन स्वावलंबन करके ये सब ने सारे ही प्रदेश में शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं इसको, और बताऊँ कि सोशल सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हमारे आए हैं, जो सामाजिक, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का हो, चाहे वो चाइल्ड केयर का हो, चाहे वो महिलाओं के उत्थान का हो। इस ओर मेरा मानना है कि हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। वहीं उन्होंने इस दौरान कहा कि नालागढ़ में कई समय से खाली पड़े सीडीपीओ के पद को 2 महीने के भीतर भर दिया जाएगा। सीडीपीओ का जो पद है वो न जाने किस वजह से खाली हुआ, तो किसी प्रमोशन से हुआ होगा। और हमारी अभी ये है, मैं देखो आपको सच बताऊँ, हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस साल अगले लगभग 2 महीनों तक हमारे जितने भी, चाहे वो जूनियर सिलेक्शन बोर्ड का है, चाहे हमारे अपने उनकी जो बोर्ड होते हैं प्रमोशन उसका है, इसमें हम तकरीबन 80-85% सारे पद सभी जगह भर देंगे। और सीडीपीओ का पद अगर यहाँ पर बहुत दिन से खाली रहा तो इसको छील से छील भर दिया जाएगा। सर, कई महिलाओं के हमारे पास कभी कुछ कहते आती रहती है कि जो जिसके पास अतिरिक्त चार्ज है कोई सीडीपीओ सेलर से है, उसका महिलाओं के प्रति, कर्मचारियों के प्रति कोई अच्छा बिहेव नहीं है। ये तो सब कर्मचारियों को सीखना चाहिए कि अपने बिहेवियर से भी कभी कभी 2 या 3 अफसरों का काम भी एक आदमी कर सकते हैं। और अगर बिहेवियर में फॉल्ट हो तो भाई वो तो फिर सुधारना भी पड़ता है। तो मेरा हम सब कर्मचारियों से हमेशा यही आग्रह रहता है कि किसी भी स्तर पर हम हों, जो भी काम पूछा जाए उसे खुशी से जवाब दें, और अगर जो उसमें कमी है उसको पूरा करें। इस मौके पर नालागढ़ के भाजपा विधायक केएल ठाकुर, पूर्व विधायक लखविंदर सिंह राणा सहित नालागढ़ के उपमंडल अधिकारी आशुतोष गर्ग, डीएसपी साहिल अरोड़ा सहित गणमान्य लोग एवं अधिकारी मौजूद रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।